दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉबवर्ल्ड ते। पंजाब विच निकलियां भर्तियां हुणे ही अप्लाई करो। कुल पोस्टा 523, योग्यता MBBS पास है, तनखा 70,000 रुपए प्रति महीना है। अप्लाई किवें करना है, की है एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसैस, इस बारे डिटेल विच दसण तो पहला जिहड़े भी दोस्त मेरे चैनल नूं पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ तां कि तुहाडे तक सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इस तों इलावा कंपीटीशन एग्जाम अते एडमिशन संबंधी जानकारी सब तो पहला पहुँच सके। वीडियो नूं भी वध-वध शेयर कर दिओ तां कि किसी जरूरतमंद तक यह वीडियो समय सिर पहुँच जाए और वह इन्हां पोस्टा नूं अपलाई करके अपने काम ते लग जावे। रिक्रूटमेंट नोटिस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हाउस सर्जन दीयां पोस्टां जो कि 523 ने, ते जो सैलरी है 70,000 रुपए प्रति महीना मिलेगी। डिटेल विच जानदे हां किवें अप्लाई करना है। आओ लै चलदा हाँ एडवरटाइजमेंट वल। एडवरटाइजमेंट है जी 14/6/2023 नूं एडवरटाइजमेंट दिती गई है। 523 पोस्टां ने, 70,000 रुपए प्रति महीना सैलरी रहेगी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने वास्ते 25/6/2023 है। आओ लै चलदे हाँ, ब्रेकअप वाइज भी तुहानूं दस्सांगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ते फैमिली वेलफेयर ने 523 पोस्टां वास्ते जो कि हाउस सर्जन दियां डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दिती गई है। फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ जो कि वधाया जा सकता है एक साल वास्ते भी, तो उन्हां वास्ते अर्जियां की मांग की गई है जिस वास्ते कैंडिडेट 25/6/2023 मिडनाइट तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। इस तों अलावा जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट मस्ट प्रोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ MBBS फ्रॉम ए रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी, तो MBBS होना जरूरी है। इस तों अलावा इन केस ऑफ फॉरन मैडिकल ग्रेजुएट द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लीयर द नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामीनेशन, जे फॉरन तो डिग्री की है तो NBE का टैसट क्लीयर होना जरूरी है। ही शुड बी रजिस्टर्ड विद पंजाब मैडिकल कौंसल ज मैडिकल कौंसल ऑफ इंडिया नैशनल मैडिकल कौंसल, तो रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। इस तों अलावा मैट्रिक पद्धत पंजाबी पास होना लाजमी है जो कि इंस्ट्रक्शन लेटैसट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वालों टाइम टू टाइम दित्तियां जांदियां हन उसके मुताबिक। तो जिहड़ी एज है लैस दैन 37 ईयर्स, 37 साल तो घट होनी चाहिए है। फिजिकली तो मैंटली फिट होना चाहिए है। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस प्रोवाइडेड फॉर एंट्रेंस टू द पंजाब स्टेट मैडिकल सर्विस, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दस्या गया है। जिन्हां कैंडिडेट्स ने मैडिकल कॉलेज जो कि रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट थ्रू सोसाइटी एस्टैबलिश्ड रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्हां वास्ते जो प्रेफरेंस रहेगी फर्स्ट। सैकेंड नंबर पर कैंडिडेट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मैडिकल कॉलेज अदर दैन मैडिकल कॉलेज एस्टैबलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तो बाद कैंडिडेट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मैडिकल कॉलेज आउटसाइड इंडिया, उन्होंने तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी रहेगी। तो मैरिट जो होगी, मैरिट जो कि परसेंटेज बेसिस जो तुम अपनी प्रोफेसनल एग्जामीनेशन जिमें फर्स्ट ईयर, सैकेंड ईयर तो फाइनल ईयर चो MBBS के मार्क्स लेने उन्होंने मैरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर ही सिलैक्शन होगी। सिलैक्शन कमेटी जो रहेगी इस विच डिस्ट्रिक्ट वाइज सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहेंगे, असिस्टेंट सिविल सर्जन, इस तो अलावा रिप्रजेंटेटिव ऑफ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ऑफिसर। तो टन्योर जो रहेगी हाउस अपॉइंटमेंट की मैक्सिमम जो टन्योर रहेगी वो एक साल होगी, जिसका बैच 1 जनवरी 30 जून तो लैके, इस तो अलावा सैकेंड बैच 1 जुलाई तो 31 दिसंबर तक होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो कैंडिडेट नू सबमिट करने हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही सबमिट किए जाएँ, कोई भी हार्ड कापी भेजने की जरूरत नहीं। रिजर्वेशन शैल बी एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से पंजाब सरकार दी हदायतों मुताबिक जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो लागू रहेगी। नोटिस फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट नू ज्वाइनिंग करने एक वीक दिता जाएगा। जे कोई उम्मीदवार समय सिर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता तो अगले नैक्सट वेटिंग कैंडिडेट नू इनवाइट कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी फीस 20,000 रुपए जमा करवानी पवेगी बिफोर ज्वाइनिंग द ड्यूटी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट द एवरी कैंडिडेट बिफोर अपॉइंटमेंट विल अफर्म इन राइटिंग दैट शी और ही इज़ नॉट बॉन्डेड टू द सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ बॉन्डेड कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विल बी ऑब्टेन्ड बाई द कैंडिडेट फ्रॉम द डायरेक्टर सर्च एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब चंडीगढ़। सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट द सिविल सर्जन विल इशू ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू द कैंडिडेट हु लीव्स जॉब प्रायर टू इट्स कंप्लीशन। तो लीव जो हरेक महीने की एक छुट्टी भी मिलेगी, तो इस तो अलावा जेकर वध छुट्टी लेनी है तो वह विदाउट पे रहेगी। इस तो अलावा कंडीशनस लिखिया गई ने जिसनों तुम पढ़ सकते हो कि रिजर्व कैटागरी द कैंडिडेट विल नॉट बी अवेलेबल then these posts will be shifted to general category। जे रिजर्व कैटागरी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे तो उन्होंने जोड़िया पोस्टा है वो जनरल कैटागरी भर लिया जाएगियाँ।
ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਸੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਮੇ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ ਏ ਡੀ ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 70,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਰਿਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ ਪ੍ਰਿਓਰਟੀ ਵਾਈਸ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 25 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ 17, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 29, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 12, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 14, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 17, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 25, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 35, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 47, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 23, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 46 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 17, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 8, ਮੋਗਾ 10, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ 21, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 50, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 11, ਰੋਪੜ 'ਚ 22, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 29 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਪੋਸਟਾਂ। ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 523 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ nhm.punjab.gov.in। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕਸ।